हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉमीज, हमारी अब धीरे धीरे जर्नी बढ़ते बढ़ते थर्ड ट्रेमेस्टर पे तो पहुंच ही चुकी है। थर्ड ट्रेमेस्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर एक चीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ के दिलो दिमाग में होती है, और वो ये कि भाई हमारे बेबी अब कितना बड़ा हो गया है, क्या बेबी हेल्दी है, या बेबी मूवमेंट तो ढंग से कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई हो चुका होता है, लेकिन ये गलत है। आपको अपना स्ट्रेस लेवल अपने कंट्रोल में करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ा तो बेबी की डेवलपमेंट पे असर होगा। इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छी बात है, आप अपने बेबी का ध्यान रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते स्ट्रेस तक मत जाइए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि थर्ड ट्रेमेस्टर में अब आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है, उसका कितना डेवलपमेंट हो गया है। अब आपका बेबी कॉर्निया यानी आईज के जो ब्लैक ब्लैक होता है, इसको इधर उधर मूवमेंट करने लग गया है, आंखें खोलता है, रोशनी महसूस करता है, म्यूजिक अगर आपके आसपास कोई मतलब आवाज़ें हो रही हैं वो सुनता है, उस पर रिएक्ट करता है। अगर उसको समझ में नहीं आता, जैसे एक बोलते ना माथा सिकोड़ना, अब ये सब एक्सप्रेशन बेबी आपके वॉम्ब में यानी पेट में कर रहा है। अब जैसे जैसे ये हफ्ता बढ़ता जाएगा तो 34, 35, 36वें हफ्ते तक, यानी आपका ट्राइमेस्टर का बिल्कुल मतलब आपकी जब एक्सपेक्टेड डेट बिल्कुल नज़दीक होगी, तो बेबी आपका 19 से करीबन स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड हाइट में आपको बता रही हूँ जो होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए 19 से 21 इंच और वेट होना चाहिए 6 से 7 पाउंड। यानी अब आपका बेबी 6 से 7 पाउंड का हो गया है और उसकी हाइट हो गई है 19 से 21 सेंटीमीटर के बीच में। अब बेबी की हड्डियां भी बहुत मजबूत हो गई हैं, अब बेबी मूवमेंट भी ज़्यादा कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखें। हमें पता है, मुझे इस पर्सनली ये पता है कि इस ट्राइमेस्टर में आते आते हमारी एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, क्योंकि वेट बढ़ रहा है, बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, तो एनर्जी अपने आप ही लो हो जाएगी। लेकिन आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपके बेबी को ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो कैल्शियम प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट है वो अपनी बॉडी में स्टोर करने लग गया है बेबी, क्योंकि अब उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो अब उसके अंदर खुद की कैपेसिटी हो गई है कि अब वो जो भी न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, उसको स्टोर करे। अब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेबी के डेवलपमेंट के लिए आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, रेस्ट करें, एक्टिव रहें, क्योंकि जितना एक्टिव रहेंगे उतना नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मॉमीज बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना, क्योंकि अब हमारा बेबी आने वाला है जल्दी से और डेवलपमेंट भी उसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने आपको जैसा कि बताया, आप अपने उसके साथ क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स के साथ मैच कर सकते हैं। चाहे आप अपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें आप लिख के भेज सकते हैं कमेंट के जरिए, मेल के जरिए, हम आपकी उस प्रॉब्लम को जहां तक हो सके सॉल्व करेंगे। बाकी ये वीडियोस उम्मीद करते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हल कर देगी और आपको हमारी वीडियो देख के काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। मॉमीज एंड बीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।